भारतीय जनता पार्टी के हम लोग अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी का आदेश था, एक मैं छाता विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करूं, मैंने उसका पालन किया है। नियमानुसार जो भी अलाउ थे उसी हिसाब से हम सब लोग यहाँ आए। आदरणीय अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, उन्हीं के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यह नामांकन आज किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस बार ब्रजभूमि रहेंगे आपके, और ब्रजभूमि में आदरणीय योगी जी ने आज़ादी से लेके 2017 तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 19 बार मथुरा का दौरा किया, हजारों करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए। टिकट बंटवारों को लेकर कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की थी कार्यालय पर। टिकट देखिए, टिकट बांटने का काम हमारे ऊपर के पदाधिकारियों का है। उन्होंने जिनको टिकट दिया, जिनको उन्होंने निर्देश दिए, अक्षर सह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका पालन करेगा। अगर इस बार भी आप जीत कर आते हैं तो क्या कराएंगे इस तरह से, जो पिछली बार नहीं आप कर पाए? देखिए, पिछली बार हम लेट हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छाता शुगर मिल के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं ये कोशिश करूँगा एक हर हालत में एक साल में छाता शुगर मिल बन के तैयार हो जाए, शुगर मिल भी, इथेनॉल प्लांट भी और बिजली घर भी, तीनों ही प्लांट उसमें चलें। इसके लिए मैं पूरा भरसक प्रयास होगा मेरा, एक साल में हम चला दें इसे। दूसरा, जो भी हमारे अधूरे कार्य हैं ब्रजभूमि में विकास के लिए, जो तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, रोजगार के लिए, जो भी हमारे अधूरे कार्य हैं उनको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगले ज्यादा दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार इस बार पूरे भवन में आएगी। मुंगेरी लाल के सपने कोई देख सकता है?